पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश, वार्ड सदस्यों के झूठ का हुआ पर्दाफाश। भाग पंचायत के मुखिया को बदनाम करने के लिए वार्ड सदस्यों ने मुखिया के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। वार्ड सदस्यों के इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। दरअसल वार्ड सदस्यों ने जिन मुद्दों के ऊपर मुखिया के ऊपर आरोप लगाया है वह सभी मुद्दे बिल्कुल निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। वार्ड सदस्य ने अपने आवेदन में लिखा है कि मनरेगा का काम प्राकलन के अनुसार नहीं है। जब मनरेगा का लिस्ट आया तो सभी वार्डों को बुलाकर मुखिया जी ने लिस्ट दिखा दिया था। वार्डों को काम भी दिया गया था। वार्डों ने जब काम नहीं किया या फिर काम शुरू करके पूरा नहीं किया, अब मुखिया जी को दोषारोपण कर रहे हैं। भाग में देवी स्थान पर रास्ता बनाने का काम वर्षों से पेंडिंग था, इस पर मुखिया जी उसको शुरू किए, काम अभी भी जारी है। वहां पर निजी जमीन है, जमींदाता कुछ आपसी मुद्दे के कारण अभी फेवर का काम पूरा नहीं हुआ है। कुआं का उड़ाही और जीर्णोद्धार बहुत बढ़िया से किया जा रहा है। वार्ड में लोग लिखा है कि कार्यकारिणी का बैठक नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड नहीं आते हैं। कार्यकारिणी बैठक की उपस्थिति रजिस्टर में यह बात दर्ज है कि कौन कौन वार्ड अनुपस्थित रहे हैं। ज्यादातर वार्ड फोन से सूचना मिलने के बाद भी कहते हैं कि सूचना नहीं मिला है, इसका क्या उपाय है? साथ में एक वीडियो भी वार्ड सदस्यों ने बनाया है। वीडियो में एक वार्ड सदस्य कहता है कि हमारे वार्ड के लोगों का काम नहीं होता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। वार्ड सदस्य का कहना है कि फलना आदमी को सचिव बनाइए। इस पर मुखिया जी बोले कि अपने वार्ड में चुनाव कराइए, जो जीतेगा वह सचिव बनेगा। इसलिए वार्ड नाराज हो गए, इनको भी काम मिला था लेकिन पूरा नहीं कर पाए, आजकल झूठा आरोप लगा रहे हैं। दूसरा वार्ड कहता है कि मुखिया पति कहते हैं कि वार्ड से मतलब नहीं है, जबकि फाग पूरब तरफ का काम मिला इन महाशय को। जब मतलब नहीं था तो काम कैसे मिला? काम तो हुआ नहीं, झूठा आरोप लगा दिए। एक वार्ड बोल रहे हैं कि बिना राय सलाह के काम कर रहे हैं मुखिया जी, जबकि महाशय को 3 महीना पहले काम मिला था, आज तक शुरुआत ही नहीं किए और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। एक वार्ड सिर्फ इसलिए कम्प्लेन किए हैं कि मुखिया जी उसको बोले हैं कि तुम ज्यादा बोलता है, मतलब हद है फालतू के बकवास और आरोप की, जबकि इस महाशय को काम भी मिला है। अरे अपमान ही करना होता तो काहे को काम देते मुखिया जी? एक वार्ड को सिर्फ इसलिए शिकायत किया है कि मुखिया जी उसको बोल दिए कि तुमको बुझाता नहीं है, जबकि उसको कॉलोनी दिलवाया, आर्थिक मदद किए और हर तरह से सहयोग किए हैं मुखिया जी। एक वार्ड सदस्य का कहना है कि मुखिया जी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि मनमानी वार्ड को 3 महीने काम मिला था, आज तक शुरुआत नहीं किया है, काम तो किया नहीं बल्कि उल्टा फालतू और झूठा आरोप लगा रहा है। एक वार्ड सदस्य का कहना है कि सरकारी पैसा का लूट मचा है। इनके ससुर महोदय का कहना है कि हमको कमीशन चाहिए हर काम में, मुखिया जी मना कर दिए तो झूठा आरोप लगा दिए। एक वार्ड साहब का कहना है कि उनको काम नहीं दिया गया है, जबकि एक बार काम दिया गया है, काम नहीं किए, फिर दोबारा काम मिला है तो शुरू भी नहीं किया है, झूठ आरोप लगा रहे हैं। वार्ड सदस्यों द्वारा आवेदन और वीडियो का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि वार्ड सदस्यों द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठ, बकवास और बेबुनियाद है। फाग पंचायत में वार्ड सचिव का चुनाव नहीं हुआ है। मुखिया जी द्वारा कई बार बोला गया लेकिन वार्ड सदस्यों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा और उल्टा आरोप लगा रहे हैं, वह भी झूठा। कुछ वार्ड सदस्यों द्वारा कमीशन मांगा जाता है, मुखिया जी मना कर दिए, बेचारे अब झूठा आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड लोगों ने MLC के चुनाव में 70,000 रुपये लिए थे और इसी तरह का पैसा हमेशा मुखिया जी से मांग करते रहते हैं।
फिलहाल एक मुद्दा आया है जिसमें 15-20 हजार मांगते हैं। कार्यकारिणी के बैठक में उपस्थिति के लिए 15 हजार का डिमांड किया जाता है। मना करने पर कार्यकारिणी की बैठक से गायब, फिर उल्टा झूठा और फालतू आरोप। मुखिया जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्डों को काम दिया गया है, लेकिन कोई भी वार्ड या तो काम शुरू नहीं किया है या फिर काम पूरा नहीं किया है। यह जो आवेदन दिया गया और वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन, ब्लैकमेल और बदनामी करने के लिए किया गया है। वार्ड द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद है और बकवास है। सत्यमेव जयते।